हेलो एवरीवन, 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी 7वीं कहानी नकारात्मक का दूसरा पार्ट अब आप सुनने वाले हैं। इन्जॉय। और फिर आया फेयरवेल का दिन। इस दिन के लिए उसके पास एक बड़ा प्लान था। सुबह सुबह आबिद, मार्टिन, चेतन और साक्षी कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। तय नहीं हो पा रहा था कि क्या खाया जाए और आखिर मार्टिन बोला, अरे तुम लोग तो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, मैं और साक्षी जाते हैं कुछ लेकर आते हैं। वो दोनों चले गए और उनके पीछे चेतना भी ये कहते हुए चली गई कि मार्टिन मेरे लिए पक्का कुछ बेकार उठा लाएगा, मैं भी जाती हूँ। आबिद मेज पर अकेला रह गया, सबके फ़ोन वहीं पर थे। उसने फटाफट रुमाल से पकड़कर साक्षी का फ़ोन उठाया और अनलॉक कर लिया। उसे पता था कि साक्षी के मोबाइल का पासवर्ड मार्टिन है। व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करके उसने अपने मोबाइल में उसका व्हाट्सएप खोल लिया और मोबाइल को अपनी जगह पर रख दिया। वो लोग 5 मिनट बाद मैगी लेकर वापस आ गए। पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी, सब मस्त थे। मार्टिन, चेतना और आबिद एक जगह खड़े बातें कर रहे थे और साक्षी अपने क्लास में थी। आबिद बोला, अच्छा सुनो, यहाँ तो अब कुछ बचा नहीं है तो मैं तो चल रहा हूँ, घर पर भी कुछ काम है। ओके, फिर मिलेंगे। ये बोलकर आबिद कॉलेज के बाहर गया और चेतना के व्हाट्सएप से मार्टिन को मैसेज किया, कॉलेज बिल्डिंग की टेरेस पे आ जाओ, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, किसी को बताना मत, अकेले आना। ये मैसेज करके वो भागता हुआ कॉलेज के पीछे गया। उसे पता था कि हॉस्टल के लड़के कहाँ से आया जाया करते हैं। वहीं से वो कॉलेज में घुसा और छुपता छुपाता कॉलेज बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। वो बिल्डिंग कॉलेज की पिछली दीवार के बिल्कुल करीब थी, इसलिए आबिद को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मार्टिन जब वहाँ पहुंचा तो उसे आबिद मिला। उसने आबिद से हैरानी से पूछा, तुम यहाँ? तुम तो चले गए थे। हाँ गया था, पर तुम्हारे लिए वापस आ गया। मेरे लिए? क्यों, क्या हुआ? और वो मैसेज तुमने किया था साक्षी के फ़ोन से? हाँ मैंने ही किया था तुम्हें बुलाने के लिए। बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं यार, बस तुमसे कुछ कन्फेस करना था। अरे यार ऐसे सस्पेंस क्रिएट करके डरा क्यों रहे हो, जल्दी बताओ क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें जैसे कि पता है कि मैं क्लास का टॉपर हूँ, पर मुझे क्लास में जो अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिल पाई। पता है क्यों? क्योंकि तुम जो मौजूद थे, सबका अटेंशन इन 3 साल सिर्फ तुम पर रहा। आबिद ने टॉप किया, ओके, पर वो देखो मार्टिन ने कितना अच्छा जोक मारा है। अरे यार ये सब क्या बोल रहा है तू? अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, और अगर मुझे पता होता कि तुझे इस बात से दिक्कत है तो मैं साइड हो जाता। हो ही ना जाते, छोड़ो मियाँ, आज तक तुमने कुछ नहीं कहा तो आज अचानक से क्या हो गया? मैं बस चाहता था कि तुम्हें मरने से पहले पता हो कि तुम क्यों मर रहे हो। क्या? मार्टिन ने ध्यान नहीं दिया था कि वो लोग छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े थे। आबिद उससे साक्षी के बारे में भी कहना चाहता था पर वक्त बहुत कम था, इसलिए उसने ये कहते उसे अचानक से धक्का दे दिया कि इट्स योर लास्ट डे ऑफ बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आबिद उसे धक्का देकर सीधे जाकर टॉप फ्लोर के वॉशरूम में छुप गया और जब शोर कम हुआ तो जैसे आया था वैसे ही फौरन वापस निकल गया। उधर साक्षी को कोई खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है, वो अपनी क्लास में बिजी थी। रिसेस में उसके दोस्तों ने उसे मना किया कि आज मेस ना जाना, कैफे में चलकर कुछ खाते हैं। उनको वो मना नहीं कर सकती थी, पर उसने उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में नोट्स कंप्लीट करके आती हूँ। काम करने के बहाने वो मेस चली गई और जल्दी से अपना पसंदीदा खाना खाकर कैफे पहुंची। कैफे में पहुंचकर वो बातों में मस्त हो गई, तभी उसका ध्यान गया कि उसका मोबाइल उसकी जेब में नहीं है। खाना छोड़कर वो सब फ़ोन ढूंढने में लग गए। फ़ोन आखिर रास्ते में पड़ा मिला, तभी अचानक चेतना की कॉल आई। उसने मार्टिन के बारे में बताया। साक्षी छुट्टी लेकर सीधे अस्पताल पहुंची। मार्टिन को देखने लगभग सभी लोग अस्पताल आए थे, आबिद भी। मार्टिन कोमा में चला गया था और इस हादसे में पुलिस भी शामिल हो गई थी। पुलिस को सिर्फ इतना पता चला था कि मार्टिन के फ़ोन पर साक्षी का मैसेज आया था उसे छत पर बुलाने के लिए, पर साक्षी ने बताया कि उसका फ़ोन उसके बैग से किसी ने या तो निकाल लिया था या गिर गया था और वो वही ढूंढ रही थी। एक टीचर और उसके कुछ दोस्त इस बात के गवाह थे कि वो पूरे वक्त उनके साथ थी और आखिरकार उसका फ़ोन रास्ते में पड़ा मिला। इससे ये साबित हो गया था कि किसी ने साक्षी का फ़ोन चोरी करके मार्टिन को छत पर बुलाया था, मगर वो कौन था ये नहीं पता चल पाया। पुलिस ने साक्षी से पूछा, तुम्हारे फ़ोन में पासवर्ड तो होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अनजान इंसान फ़ोन को अनलॉक करके मैसेज कर दे? पासवर्ड तो है, पर वो सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से बात करती हूँ या मिलती हूँ सबको मेरा पासवर्ड पता होता है। मेरा पासवर्ड मार्टिन है, जिसको नहीं भी पता वो भी 1 मिनट में खोल सकता है। साक्षी ने ये किसी को नहीं बताया कि वो उस दिन मैस गई थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उस पर शक बढ़ जाता, तो उसने सोचा जो हो रहा है वही सही है। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि न जाने उसका फ़ोन किसने निकाल लिया या गिर गया जिसके चक्कर में ये सब हो रहा है, पर उसे ये नहीं पता था कि अगर उसका फ़ोन नहीं गिरता तो वो अपने आप को किसी भी हाल में सही साबित नहीं कर पाती।
आबिद का यही प्लान था कि वो एक तीर से दो निशाने करेगा, मार्जिन मर जाएगा और साक्षी को जेल हो जाएगी। पर दोनों काम पूरे नहीं हो पाए। कॉलेज की सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा सिर्फ कॉरिडोर्स में थे, जिसमें से एक दो तो खराब ही थे और जो सही भी थे उसमें भी सिर्फ मार्टिन ही दिख रहा था। फोन पर कोई फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये कौन है जो इतनी आसानी से एक इंसान को छत से धक्का देकर गायब हो गया। 2 हफ्ते हो गए, आबिद को मार्टिन को मारने का मौका नहीं मिला और मार्टिन होश में भी नहीं आया। अब आबिद निश्चिंत हो गया क्योंकि उसे पता था कि अगर अब 3-4 हफ्ते बाद मार्टिन होश में आ भी गया तो वो इतना कंफ्यूज होगा कि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इस दौरान आबिद और चेतना मार्टिन के माँ बाप से रोज़ मिलने जाते थे, चेतना उनके दुख को बांटने और आबिद उनके दुखड़े का मज़ा लेने। कुछ वक्त बाद कॉलेज में एग्ज़ाम शुरू हो गए। आबिद ने अस्पताल जाना बंद कर दिया और चेतना से भी कहा कि अपनी साल ना बर्बाद होने देना, तो उसने भी जाना बहुत कम कर दिया। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और हमेशा की तरह आबिद ने टॉप किया। उसका फौरन दिल्ली में कंपनी में प्लेसमेंट भी हो गया। चेतना भी अपने घर बनारस लौट आई। आबिद दिल्ली में जॉब करने लगा पर वो खबर सबकी रखता था। उस पर अब और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, जॉब की नहीं लोगों की ज़िंदगी नर्क बनाने की। उसने दिल्ली में बहुत कुछ किया। एक बार रवि उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आया तो उसने अपने बॉस और HR दोनों से साफ कह दिया कि इसे ना लेना, ये कॉलेज के समय से ही बहुत लापरवाह है। 4 साल गुजर गए थे, आबिद को मार्टिन की कोई खबर नहीं थी। खैर उसे क्या, किसी को भी अब मार्टिन की कोई खबर नहीं थी। फरवरी 2020 में जब आबिद की माँ की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने उसे घर बुलाया। वो आना नहीं चाहता था क्योंकि वो दिसंबर में आ चुका था, पर उसे आना पड़ा। स्टेशन से जब वो बाहर निकलकर रिक्शे की तरफ जा रहा था तभी अचानक दो सांड आपस में लड़ने लगे। आबिद ईयरफोन्स लगाए हुए था, उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। वो मस्ती में चलता चला जा रहा था कि अचानक उसके पीछे से दोनों सांड आकर टकराए। आबिद काफ़ी ऊंचा उछल गया और बहुत दूर जाकर गिरा। उसे लगा जैसे उसे किसी ने उसे 3-4 मंजिल से नीचे फेंक दिया हो। उसकी आंखें खुली तो वो एक अस्पताल में था। उसे नहीं पता था पर ये वही अस्पताल था जिसमें मार्टिन भर्ती था। उसकी माँ भी उसके पास थी, हालांकि उनकी खुद बहुत तबीयत खराब थी, पर जब बेटा बिस्तर पर पड़ा हो तो माँ के अंदर असीम शक्ति आ ही जाती है। आबिद की पसलियों में गंभीर चोट आई थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और सिर भी फूट चुका था। एक दिन बीत गया, अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसके पास शिराज बैठा हुआ था। वो उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने आया हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं यहाँ एडमिट हूँ? मुझे सब पता है, वो भी पता है जो तुम्हें पता है और वो भी जो तुम्हें नहीं पता है। जैसे कि तुम उसी हॉस्पिटल में हो जहाँ तुम्हारी वजह से मार्टिन और रवि पहुँचे थे। मेरी वजह से क्या बकवास कर रहे हो? अरे मियाँ, मुझे मालूम है कि मार्टिन को छत से धक्का तुमने ही दिया था, और पिछले साल दिसंबर में रवि की शादी वाले दिन उसकी बाइक के ब्रेक के तार भी तुमने ही काटे थे, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। आबिद की आंखें बड़ी हो गईं, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोले। आखिर बड़ी मुश्किल से उसने कहा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, पर चलो कोई ना, विश्वास तो मैं करवा ही दूंगा। सुनो, दरअसल तुम्हारी कहानी मैंने ही लिखी है, इसलिए मुझे पता है कि क्या हुआ था और क्या होगा। और सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि वीर, अमर, रवि, मारिया, बाकी कई लोगों की कहानियां मैंने ही लिखी हैं। सीधी तरह बताओ कैसे जानते हो, बकवास मत करो। ओफो, एक तो ये बड़ी परेशानी है कि तुम्हें भरोसा किसी पर नहीं होता। चलो एक काम करो, मेरी पूरी बात सुन लो, फिर मैं तुमको सबूत दूंगा कि तुम सबकी कहानी मैंने लिखी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना तो बेटा तुम्हें पड़ेगा, और जब आपकी पसलियाँ टूटी हुई हो तो आपको अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। ओके, बको। तो ये देखो, मेरे पास ये एक डायरी है, इसमें मैं जो चाहूँ लिखूँ वो सच होता है। मैंने इसमें तुम्हारे क्लास के करीब 8-10 लोगों की कहानी लिखी है, कुछ की पूरी है तो कुछ की अधूरी, पर आज तक मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, ना उनसे मिला। लेकिन तुमसे मिलने और तुम्हें ये बताने के मेरे पास 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि तुम इन सारी कहानियों में इकलौते नेगेटिव कैरेक्टर हो और मेरे फेवरेट भी। दूसरा कारण ये है कि तुम्हारी कहानी का एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। देखो, मैंने ये सोचा था कि तुम जिंदगी भर बुरे काम करोगे और मरते वक्त तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी गलत तरह से जी है, और इसी भयंकर ग्लानी के साथ तुम मर जाओगे।
लेकिन परेशानी ये आ गई कि मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो कि तुम्हें सब एहसास हो जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब बता दूं और यहीं तुम्हारे सामने तुम्हारा अंत लिखूं। आबिद को उसकी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं हो रहा था। उसके तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शिराज जब कभी कॉलेज में उससे नहीं बोला तो यहाँ क्यों आया है। शिराज ने डायरी खोली और बोलते हुए लिखना शुरू किया। आबिद अपनी मृत्यु शैया पर लेटा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, पर मौत के आने से पहले अचानक उसके मन में आत्मग्लानी आना शुरू हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत किया था वो सब उसके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलने लगा और उसे एहसास होने लगा कि उसने लोगों के साथ कितना ज़्यादा गलत किया है। मार्टिन का कोमा, रवि की मौत, अमर की मानसिक स्थिति और बहुत कुछ उसको महसूस हो रहा था। शिराज जैसा जैसा लिख रहा था आबिद को ठीक वैसा ही महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, वो बेइंतहा रोने लगा। शिराज बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? मेरे लिए तो फांसी भी कम है, मैंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है। मुझे तो माफ़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी काश एक मौका मिल जाए तो मैं लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। नहीं, ये तो नहीं होने वाला। कहानी का विलेन भी अगर माफ़ी मांगने लगे तो फिर क्या फ़ायदा? चलो तुम्हारे इस दर्दनाक अंत का लेवल बढ़ाते हैं। बाहर देखो, कोई दिख रहा है? आबिद ने बाहर देखा तो वार्ड के बाहर मार्टिन व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो उसे देखकर चौंक गया क्योंकि वो ठीक हो चुका था। आबिद कुछ बोलता उससे पहले शिराज बोला, अब मार्टिन तुम्हें देखेगा और उसे सब याद आ जाएगा। फिर वो सबको बता देगा कि तुमने क्या किया था और तुम्हारे मरने के बाद सब तुमसे नफरत करेंगे। कैसा लगा कहानी का एंड? बहुत बुरा, बुरा, बहुत बुरा। Why the hell are you doing this? Why? तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ? ये बताने से बेहतर है मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आबिद शिराज को गौर से देख रहा था। अचानक शिराज के पीछे से दो बड़े बड़े पर निकले। आबिद उन परों को देखकर डर गया, लेकिन अगले ही पल पर वापस वो पर अंदर चले गए। शिराज बोला, खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से उसकी ज़िंदगी के जिसके 4 साल बर्बाद हुए हों वो तुम्हें अपने सामने मरते हुए देख ले। वैसे एक बात तो है ना, मैंने तुम्हें विलेन बनाया पर तुम्हें तो मैं अब मार दे रहा हूँ, तो मैं तो तुमसे बड़ा विलेन हो गया। सही बात है यार, कहानी का सबसे बड़ा विलेन कहानी का लेखक ही होता है। आबिद डरा, सहमा, ग्लानी में लिप्त रो रहा था और शिराज लगातार बोल रहा था, और हाँ ये भी जान लो कि मैंने तुम्हारी कहानी का नाम नकारात्मक रखा है। करीब 7 महीने बाद तुम्हारी क्लास की रियूनियन होगी और वो आखिरी कहानी होगी। उस कहानी का नाम होगा लेखक। देखो मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है और किसी को मत बताना। ये सब कहकर शिराज ने डॉक्टर को आवाज़ दी। डॉक्टर, डॉक्टर! डॉक्टर आया तो आबिद की सांस फूल रही थी। उसकी मम्मी कुछ दवाइयाँ लेने गई हुई थी, पर अब वो भी आ चुकी थी। देखते ही देखते आबिद की सांसें रुक गई। शिराज उसकी माँ को सहानुभूति देकर चला गया।